नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। इच्छा मृत्यु में अंतर क्यों? जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो काल आया, और जैसे ही काल आया तो गिद्धराज जटायु ने कहा, सावधान हे मृत्यु, आगे बढ़ने की चेष्टा ना करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं सीता जी की सुधी प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह, जो महान तपस्वी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटकर मृत्यु का इंतजार करते रहे। आंखों से आंसू गिरते थे, भगवान कृष्ण जब जाते थे तो मन ही मन हंसते थे, और भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को देखकर दहाड़ मार कर रोते थे, कन्हैया मैं कौन से पाप का परिणाम देख रहा हूँ कि आज बाणों की शैया पर लेटा हूँ। भगवान कृष्ण मन ही मन हंसते थे। वह दृश्य महाभारत का है, जब खड़े हुए हैं भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं, आंखों में आंसू हैं भीष्म के, रो रहे हैं, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंत समय में जटायु को भगवान श्री राम की गोद में शैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की शैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी शैया में प्राण त्याग रहा है। राम जी की शरण में, राम जी की गोद में और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं, ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में पितामह ने द्रौपदी का चीर हरण देखा था, विरोध नहीं कर पाए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे। नारी की रक्षा नहीं कर पाए, नारी का अपमान सहते रहे। उसका परिणाम ये निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी वाणों की शैया मिली, और गिद्धराज जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की शैया मिली। यही अंतर है, इसीलिए भीष्म 6 महीने तक रोते रहे, तड़पते रहे, क्योंकि कर्म ऐसा किया था कि नारी का अपमान देखते रहे, और जटायु ने ऐसा सत्कर्म किया कि नारी का अपमान नहीं सह पाए, नारी के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। आज भगवान ने जटायु को अपना धाम दे दिया। जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी है, और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करता है, उसका महात्म्य जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।